शॉट द सॉन्ग फॉर गुड 3-4 डेज आराम से. एंड रोमांटिक गाना है, क्यूट कपल हैं, दे आर इन लव, दैट्स व्हाट द सॉन्ग इज अबाउट. या सो आई रिमेंबर वी वर शूटिंग ऑन द बीच एंड बीच में बिकॉज फैजू और रूही की जो फैन फॉलोइंग है वो कुछ ऐसी है कि हमें कुछ 30-40 बाउंसर्स लग गए थे एंड वी कुडंट कंट्रोल द क्राउड. बट देन फैजू एंड रूही बोथ ऑफ देम आर वेरी दे वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ टू आई डोंट नो एक्सप्लेन द क्राउड कि भाई हमें शूट करने तो पहले थोड़ी देर, उसके बाद मे बी ही गॉट क्लिक पिक्चर्स विद एवरीबडी एंड थिंग्स हैपेंड, थिंग्स वेंट स्मूथ. देन हाँ उसके ये बैंग बैंग वेब सीरीज आई है ओल्ड बालाजी में विच इज़ डूइंग वेरी वेल एंड उसके बाद बिकॉज द जोड़ी वॉज फेमस वी थॉट ऑफ डूइंग अ रोमांटिक सॉन्ग विद बोथ ऑफ देम. सो हाँ आई वुड अनाउंस कि बी लाइव में दे इजाजत फैजू एंड रूही के बाद वी कमिंग अप विद अ सॉन्ग विद जन्नत जुबैर, बहुत जल्दी आने वाला है वो गाना, मे बी 13-14 को रिलीज़ हो जाएगा. उसके बाद वी हैव अ सॉन्ग विद अनुष्का सेन एंड सिद्धार्थ निगम, वी हैव अ लॉन्ग क्यू. उसके बाद वी हैव अ स्पेशल सॉन्ग ऑफ होली विद अभिनव शेखर. अभिनव शेखर इज़ अगेन अ वेरी फेमस रैपर, उसका एक गाना बहुत बड़ा हिट था होली में रंगीले, मीका बाजी ने गाया था मोनी रॉय सनी सिंह के साथ. तो आई एम श्योर वी लाइव हैज़ अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स कमिंग अप, यू गाइज विल लाइक वॉट वी आर डूइंग. बहुत मेहनत कर रहे हैं हम म्यूज़िक लेवल में अच्छा कंटेंट लाने की, हमारी इंडस्ट्री में अच्छे कंटेंट की बहुत कमी है आजकल, लोग कुछ भी बनाते हैं और कुछ भी पसंद कर लेते हैं, बट देन हम कंटेंट पे काम कर रहे हैं. नहीं वी हैव ऑल द जॉनर्स, दे इजाजत के बाद जो गाना है इट्स अगेन अ लव सॉन्ग, उसके बाद वी हैव अ होली वाला सॉन्ग, देन वी हैव अ rap pop coming up, so we have varieties of song coming up in the next 2-3 months now with B-Live. Yeah, thank you so much. You know, it's February, it's the month of love, and it's Valentine's Day, and I think this is very appropriate because it's a very beautiful, romantic, soulful track. De Ijazat is extremely special to me because I think the lyrics really connect with the audience and with me personally, and I hope everybody enjoys it. Yes, while we were shooting in Goa, there were a lot of people who came there to talk to us and to tell us that they love us, and that was very special. We had a great time. We shot at the beach and it was stunning. It was a beautiful view. I really enjoyed shooting the song. You know, back to back, aapke jitne bhi project aa rahe bahut hi hit ho rahe hain. Aapki film dekhi humne, logon ne appreciate kiya is month mein, now hum dekh rahe hain. क्या फीलिंग होती है ऑडियंस लाइक इतना अप्रिशिएट कर रही है आपको और आपको फिल्मों को आपके म्यूजिक वीडियो को? बहुत अच्छा लगता है जब लोग पसंद करते हैं काम, एंड आई एम सो ग्लैड, टच वुड, आई एम सो ग्रेटफुल कि सारी मेहनत का जो फल है वो ऐसा लग रहा है अभी आ रहा है और लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है. इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी बिकॉज आई वर्क वेरी वेरी हार्ड टू गेट हियर एंड देयर स्टिल माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. एंड यू नो रोमांटिक सीजन है, रोमांटिक कोई मेमोरीज होती है लाइक यू नो रोमांस इज वन थिंग व्हिच इज lacking in my life, but yeah, I think life is romantic. You know, we get to shoot in romantic locations. Itne achhe achhe videos hum kar rahe hain jahan pe we get to see beautiful places. I would say I am romancing with life itself at the moment. I'm loving where I am and I'm loving where I'm going. And aur aise is month mein aur kya kya dhamaka karne wali hai Ruby ji? Bahut sara dhamaka. I'm so excited kyunki 10 tarikh ko mera ek aur gana release ho raha hai, Satane Lage Ho with Ninja. It's a beautiful song. I'm so excited because I'm playing a sarpanch
in the song. So I got to do a different look. And we shot in Punjab for Satane Lage Ho. So I'm pretty excited about that. उसके बाद भी मेरे दो एक दो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बट एंड दे आर ऑल्सो स्पेशल टू मी सो आई लाइक टू टॉक अबाउट देम जब वो आ रहे होंगे बट हाँ मुलाकात होती रहेगी एंड आई होप सबको मेरा काम पसंद आए एंड मेरा हार्ड वर्क पसंद आए आई वुड जस्ट से दैट 2020 हम सबके लिए एक बहुत टफ ईयर था We all struggled, we are still facing challenges, लेकिन safe रहें अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें and 2021 एक नई शुरुआत करते हैं let's try and begin again, mission begin again and let's try to make the most of it, work hard, cherish life. Well, Be Live Music, I had a really good time shooting for this music video. Mikhil is such an amazing person. And I think their choice of music is very nice. The versatility is commendable. Unke sare gaane bahut hi khoobsurat hain. Aur dekhte rahe Be Live Music ko, dekhte rahe hame. So, Valentine Day ke din aisi koi specific planning hoti hai Rumi ji ki? You know, planning dusro ki honi chahiye Valentine's Day ke din mere liye. Lekin unfortunately not. Not really, but main apne aap ko flowers bhejti hoon. On Valentine's Day, तो इस साल भी वही होगा क्या हाँ या वेल आई हैव दे इजाजत दिस टाइम तो मैं अपना गाना देखूंगी और वैलेंटाइंस डे पे खुश होंगी अकेली बहुत करीब बिकॉज जितने भी मेरे फैंस और फॉलोअर्स हैं आज मैं जो हूँ उन्हीं की वजह से हूँ आई डू नॉट हैव अ गॉड फादर इन द इंडस्ट्री आई एम कम्प्लीटली सेल्फ मेड एंड मेड बाय माय फैंस तो आई ट्राई टू टॉक टू देम एज मच एज आई कैन ऑन माय इंस्टाग्राम ऑन ऑल माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आई ट्राई टू पर्सनली डीएम देम मैसेज देम सो बहुत करीब है वो सब मेरे लिए थैंक यू मैं स्पेशल जो है रूही है और फैजल है और ये गाना जो है मैंने लॉकडाउन में लिखा था तो ऐसा सोचा नहीं था कि हम वैलेंटाइन में रिलीज़ करेंगे इसको और इतना जल्दी सब कुछ हुआ सो गाना बहुत ख़ास है मेरे लिए क्योंकि इसको मैंने कंपोज भी किया है लिखा भी है और गाया भी है सो काफ़ी कुछ है इस गाने में और आज काफ़ी मुझे रिव्यूज़ भी अच्छे आए हैं एंड कि गाना आपका बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा वैसा सो बड़ा अच्छा लग रहा है लॉकडाउन में मैंने 5 गाने लिखे हैं सो एक सातों जन्म भी अभी मेरा आया था कुछ दिन पहले वो भी मैंने लिखा है वो भी कंपोज किया है मैंने वो भी मैंने गाया सो इजी तो नहीं है बट लिखते लिखते कभी थॉट्स आ जाते हैं सो फिर मैं लिख लेता हूँ ऐसा जी बहुत ज़्यादा ही जस्टिस किया है और इसको जो डायरेक्ट किया है नदीम एंड नितिन ने बखूबी उनका भी ये सेकंड म्यूज़िक वीडियो है हमारे साथ और उन्होंने बखूबी बहुत अच्छा निभाया है और काफ़ी आपको केमिस्ट्री देखने को भी मिलेगी उन दोनों की गाना सुनना चाहेंगे आपसे गाना एक्चुअली अब 3-4 दिन पहले मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी एंड कल चंडीगढ़ में मेरा शूट भी था तो थोड़ी सा आवाज़ मेरी बैठी हुई है बट ओके हो बी लाइव देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बेसिकली आई एम फ्रॉम मैं जिस जगह से हूँ और आजकल एक नए टैलेंट पे इतना भरोसा करना और मेरे जैसे ऐसे कई सारे टैलेंट्स हैं बी लाइव म्यूज़िक में जो वन बाय वन आपको देखने को मिलेंगे सो बी लाइव की ये ख़ास चीज़ बहुत अच्छी है कि जो नए लोगों पे टैलेंट पे वो भरोसा कर रहे हैं एंड वो बिलीव कर रहे हैं और आज की इंडस्ट्री आपको भी पता है म्यूज़िक की कैसी चल रही है कैसी थी और क्या है सो बेसिकली हम चाहते हैं कि वो जो बॉलीवुड का और जो प्यार है वो बरकरार रहे खूबसूरत गाने आते रहें बस यही हमारी सोच है मीनिंगफुल सॉन्ग्स नेक्स्ट गाना एक्चुअली हमने बहुत सारे गाने शूट करके रखे हैं बट अभी क्या हुआ है कि लॉकडाउन चल रहा था और काफ़ी सारी वेडिंग्स जो हैं रुकी हुई थी तो हमारा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है कि हम एक वेडिंग सॉन्ग जो है प्रॉपर वेडिंग सॉन्ग हम उसको लाएंगे और अभी उस पर ही वर्क चालू है कल चंडीगढ़ में उसका ही शूट था सो So,
जी जी, और इस बार आवेज़ है हमारे साथ, और क्योंकि ये जो गाना है बहुत मस्ती वाला है। तो ये सॉन्ग जो है काफ़ी मस्ती वाला है एंड फुल है, तो इसमें काफ़ी डांस चाहिए था, और अवैज़ बहुत अच्छे डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, तो बहुत मज़ा है उनके साथ काम करके। और इसमें भी मैं एज अ सिंगर दिखूंगा आपको वीडियो में। गाने का रिलीज़ बेसिकली हमने 11 तारीख को सोचा था, और अभी कुछ आगे पीछे हो सकता है, बट आप लोग जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आप हमसे जुड़ के रहिए, थोड़ा आगे पीछे होगा, जहाँ जब भी रहेगा हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे बी लाइव म्यूज़िक के पेज से। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और सॉन्ग माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छे, जैसे हमने हमारा जैसा विजन था सॉन्ग को शूट करते समय, वैसे कुछ हम लोगों को देखने मिल रहा है, तो सॉन्ग माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे हमेशा से एक वो बीच वाला मॉन्टेज जो आपने देखा सॉन्ग में, वो मुझे हमेशा से एक मतलब शूट करना था, और जैसा मैं सोचता था कि मतलब कैसा लगेगा वो, तो ये शूट होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि जैसा मैं चाहता था वैसा कुछ मुझे देखने मिल रहा है वो वीडियो में। गोवा में बहुत सारी मॉबिंग हुई, सुना गाना शूट करने में बहुत दिक्कत आई, क्राउड अनकंट्रोलेबल था, कैसा लगता है फेसबुक में ना मेरे लाइव में सब कुछ इतना प्यार आपको मिलता है, आपको कैसा लगता? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी शूट होता है, कहाँ पे भी हो, वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर भी हो, बहुत अच्छा लगता है, लोग वहाँ जानते हैं, पहचानते हैं, लोग मिलते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है शूट में, शूट करने के दौरान बहुत सारे इशू हो जाते हैं, कभी कभी जगह नहीं होने की वजह से इतने सारे लोग आ जाते हैं वहाँ पे, तो शूट हमको कैंसिल भी करना पड़ता है, मगर अच्छा लगता है, जैसा भी होता है एडजस्ट हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से तो मतलब मैंने टाइम का हिसाब किताब असली समझा हूँ मेरे वेब सीरीज़ के शूट के टाइम, जैसे कि मैं दो दो दिन सोता नहीं था, और सुबह सुबह चार चार बजे उठ जाता था डायरेक्ट शूट के लिए, तो टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि मेरा कॉस्ट्यूम का इशू हो गया था, तो मैं वापस से दूसरा कॉस्ट्यूम पहन के आया हूँ। थैंक यू सो मच बी लाइव, आपने इस काबिल समझा और मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी आपने, और म्यूज़िक वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, और रूही के साथ काम करके हमेशा, निखिल भाई भी हमारे, उनके साथ भी काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच निखिल भाई। कैन यू प्लीज जॉइन निखिल, बैंग बैंग की तो मैं इतनी तारीफ़ कर दूँ, वो भी कम है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मेरी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी बैंग बैंग को लेके, कि मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे कुछ ऐसा सुनने मिलेगा फैंस लोग से, मेरे रिलेटिव से, जो कि वो इतना प्यार दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, वो खुद बोल रहे हैं कि हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि तू इतनी अच्छी एक्टिंग करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब शूट के दौरान मुझे बस यही था कि फर्स्ट डेब्यू है, कैसा लगेगा लोगों को, क्या लगेगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जितने मैंने वर्कशॉप वगैरह कम्प्लीट किया और सारी जो ट्रेनिंग थी उसके दौरान, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निकल गया है। बैंग बैंग में रोमांटिक नहीं लग रहे, मीरा बहुत गुस्सा कर रही है मेरे पे, पूरे बैंग बैंग में आप देखोगे तो हम लोगों की सिर्फ लड़ाई हो रही है, और हमारे मॉन्टेजेस थोड़े कम है प्यार वाले, मगर ये म्यूज़िक वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि अच्छा है, मतलब वेब सीरीज़ के बाद में म्यूज़िक वीडियो आया, और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हमारी तो अच्छी लगती है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को। यस, आई एम सो ग्लैड बैंग बैंग में लोगों ने हमारी जोड़ी को इतना पसंद किया है, एंड अब हमारा एक म्यूज़िक वीडियो आ रहा है जिसमें कम्प्लीटली डिफरेंट लुक है देन बैंग बैंग, एंड आई थिंक हम दोनों ही कैरेक्टर्स में काफ़ी फिट हो रहे हैं, सो आई होप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज आते रहे और लोगों को हमारा काम पसंद आता रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट, बैंग बैंग IMDb पे 7.3 रेट कर रहा है। वाओ, 7.4। ओह वाओ, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। रूही सॉन्ग के बारे में थोड़ा अगर आप बताइए,
बहुत बहुत मज़ा आया हम लोगों ने गोवा में शूटिंग की. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो है. वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो आई थिंक वहाँ सारे ही लवर्स आउट देयर के लिए एक बहुत ही एक गिफ्ट की तरह है. एंड ऑफकोर्स फैजू के साथ काम करके तो हमेशा ही मज़ा आता है. वी हैव अ रियली गुड टाइम ऑन सेट एंड आई होप लोगों को ये गाना बहुत पसंद आए और इंशाल्लाह लोग बहुत सारे वीडियोस भी बनाए जैसे हमेशा लोग मेरे लिए करते हैं. yes. तो इंशाल्लाह कंटेंट बनाए और मैं अपने अकाउंट पे फीचर करूँगा. वी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कैसा है आपका वी लाइफ म्यूजिक के साथ काम करके हमें बहुत मज़ा आया. निखिल रियली टुक अ वेरी गुड केयर ऑफ अस, ही पैम्पर्ड अस एंड बहुत अच्छे गाने आते हैं इनके, बहुत ही वर्सटाइल ट्रैक्स हैं, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. ईशान मूवी और फैजू आपके गाने पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो मेरा गाना है वो एक ऑडियो है और उसको जो फेस मिला है माशा अच्छा लग रहा है. इनकी केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत ही खूबसूरत है और सबसे इम्पोर्टेंट सॉन्ग बहुत ज़्यादा ही कैची है. जो सच में बहुत, जब मैं फ़र्स्ट टाइम मुझे सॉन्ग मिला था निखिल सर के तरफ से तो मैंने तभी बोल दिया था सर को हाँ मैं करूँगा क्योंकि सॉन्ग बहुत अच्छा था. थैंक यू. बिग बॉस तो अभी बेसिकली शूट के दौरान मैं पिछले 5 महीने से बैंग बैंग का शूट कर रहा था तो मैं बिग बॉस में इस बार इतना अपडेट नहीं था तो इंशाल्लाह अभी मैं देखता हूँ बाद में अच्छे से. अभी मैंने अपडेट देखा ही नहीं कौन कौन कितने कंटेस्टेंट है कितने नहीं, अभी पता नहीं कितने कंटेस्टेंट को मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं किसी फेवरेट को बोल देता I would just want to say that the song is lovely and I guess Fezu is going in a very nice way. He recently had his movie, web Bang Bang and now with this music album. So I guess a great way to go for him and it's lovely. It is a lovely song with a lovely melody and I totally loved it. It was super amazing and you guys should listen to it too. Thank you. Thank you. Ashwin, give me a solo picture. You just step on your right. Ashwin, can come. ही इज़ दी पीपल्स मैन. जैसे हम गवर्नमेंट चूज़ करते हैं वैसे फैजू भी पीपल्स मैन बन गया है. दैट्स अ ग्रेट थिंग एंड वैलेंटाइंस वीक में निकल रहा है वो भी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड रुई के साथ. इट्स अ ग्रेट थिंग. अभी अभी रुई का बैंग बैंग रिलीज हुआ था, मेरा हेलो जी रिलीज हुआ और हम सब यहाँ पे एज फ्रेंड्स मिले हैं. इट्स अ ग्रेट फीलिंग. बट जो भी लोग इस मीडियम से सेलिब्रिटीज स्टेटस प्राप्त किए हैं मतलब मिला है इनको, क्या कहना चाहेंगे हाउ लॉन्ग इट कैन सस्टेन इन द फ्यूचर? सी फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा है. आप खुद गवर्नमेंट चूज़ करते हैं, आपको ही पता होता है कि कब तक टिकती है गवर्नमेंट. बट द गुड पार्ट इज़ ही इज़ अ पॉपुलर पर्सन, ही इज़ डूइंग गुड इन हिज लाइफ एंड जब तक जो इंसान अच्छा करता रहे हो अपनी ज़िंदगी में अच्छा ही करें. लास्टली ये भी कहना चाहूंगा ओटीटी प्लेटफॉर्म में इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, डू यू थिंक टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म में व्हिच विल गेन मोर इन द फ्यूचर एज़ सच? सी ओटीटी कम्स इन द मिडिल, टीवी इज लाइक घर घर की कहानी, फिल्म इज लाइक ईद का चांद टाइप्स. यू नो ओटीटी आई थिंक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है क्योंकि लॉकडाउन के बाद सब ओटीटी ही देखते हैं. इट्स गोना बी अ मर्जर वेरी सून. बहुत ही इजीली अवेलेबल फिल्म फॉर्मेट देखने मिलता है सो आई थिंक इट हैज अ लॉन्ग लाइफ. Hey, this is Naira Banerjee and you're watching Bollywood Ki Baatein. इस चीज़ के लिए बहुत खुशी है क्योंकि फैजू का ये ऐसा पहला सॉन्ग है जो जो इतना रोमांटिक किस्म का बना हुआ है. अभी तक फैजू ने बहुत सारे डांस वीडियोज़ किया था, ये इससे पहले एक गाना और था और ये दूसरा गाना है, बट ये बहुत ज़्यादा ही एकदम छाएगा गाना इंशाल्लाह. तो सेलिब्रिटी बनने के पहले और सेलिब्रिटी बनने के बाद क्या कुछ अंतर नज़र आया है उनके बिहेवियर में या उनके लाइफस्टाइल में या क्या अंतर? नहीं, ये दुनिया को ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को कि उसमें चेंजेस आ गए हैं या नहीं आए हैं, बट हम लोग जानते हैं कि वो जैसा पहले था वो अभी भी वैसे ही है. बस आजकल क्या है, काम का प्रेशर ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा हो गई है, लोड ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा बिजी रहता है, बाकी सेम है एज इट इज़. तो कितनी मेहनत की थी शुरुआत से आपने, तो मेहनत देखी होगी क्या?
उसको इस चीज़ का शौक मतलब बचपन से ही था, वो हर चीज़ में बहुत आगे रहा है, मतलब ये सारी चीज़ों में बहुत आगे ही था। हमारे घर में कुछ हो रहा है तो डांस के लिए, हर चीज़ के लिए वो बहुत आगे था। और फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ से उसने कॉलेज में मॉडलिंग किया, फैशन शो किया, उसके बाद धीरे धीरे करते गया तो ये चीज़ें समझ में आई कि हाँ वो करेगा। और फिर मेहनत तो मतलब समझो कि 24 घंटे में से वो सिर्फ 3-4 घंटे सो रहे हैं, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं। लास्ट ईयर वेब सीरीज में भी आने वाले बैंग बैंग में, उसको लेकर कितना उत्साहित हैं आप लोग? बैंग बैंग्स तो सर आ चुकी है ना। उसका रिस्पांस तो बहुत ज़बरदस्त है सर, उसका रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है। वो पहले ही आ चुकी है, बहुत टाइम हो गया ना उसको आकर। और उसका ऑल वाला जी पे समझिए, वो पहली है वेब सीरीज है जो 6.5 IMDb से चलती है। तो पूरी फैमिली इस चीज़ को लेकर संतुष्ट है कि हाँ सब 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 संतुष्ट है, सब खुश है ऑल। फैजू का ये जो नया एल्बम आया, कितनी खुशी मिलती है, कितना ज़्यादा उनका जो सक्सेस है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? I guess his has been a commendable journey, kyunki from being popular on digital space to now coming in music albums and web series, it's a great thing and I wish him all the best for his journey. And people are becoming social media star from TikTok or any other medium, or now do you think they are going to survive in the future? See, I guess it's not about being from digital space or being from the industry space, it's all about your talent and how passionate you are about your work. And recently Bang Bang web series aayi thi OTT mein, bhi apna career shuru kar diya unhone. मैं अभी तक देख नहीं पाई हूँ, बट आई हैव श्योरली वॉच द ट्रेलर एंड इट इज सिंटिलेटिंग, आई वुड से इट इज वेरी नाइस ट्रेलर एंड इट्स नन लेस देन बॉलीवुड मूवी, सो ही इज परफॉर्म रियली वेल एज वेल एंड बेस्ट विशेस फॉर दैट। ऑफ कोर्स, एंड आई गेस it is one optional that actually the artist can take up who don't want to take up long term projects. For example, I didn't want to take up any long term project this year, so I did music album. So it's a great new venture and it's trending these days as well and giving an opportunity to many people. So yes, surely music albums are like the new buzz and the new trend. Thank you. Maine bilkul dekha, de ijazat, aur mujhe bahut bahut acha direction laga Nitin ka. आई थिंक उसका वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सॉन्ग्स है और गाना बहुत अच्छा है, ईशान ने बहुत अच्छा गाया है। वी लाइव एक बहुत अच्छी कंपनी है एंड आई हैव माई सेल्फ एसोसिएट विद देम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका भी सॉन्ग बहुत ही हिट हुआ, 125 मिलियन जैसे हम एक सक्सेस करके आ रहे हैं, तो आप बताइए कि क्या फीलिंग होती है जब म्यूजिक वीडियो बहुत ही हिट होते हैं? देखिए म्यूज़िक वीडियो का भी एक अपना कैटेगरी है और इस टाइम पे स्पेशली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन दैट इज़ गोइंग ऑन हैज हैपेंड, सिनेमा थोड़ा सा स्लो हुआ है, नॉट दैट इट्स स्लो डाउन, OTT आ गया है आगे एंड म्यूज़िक वीडियोज़ ने भी बहुत ज़्यादा पिकअप कर लिया है। सो राइट नाउ एवरीवन इज़ डूइंग इट, इट्स अ ग्रेट मीडियम, इट्स अ स्मॉल पैकेज, डजंट बोर यू एंड यू एंजॉय म्यूज़िक, म्यूज़िक इज़ लाइफ यार। कपल ऑफ सॉन्ग्स और बाकी जो है उसके बारे में मैं अभी ज़रा बात नहीं करना चाहूँगा, बट ज़रूर करूँगा बहुत जल्दी। आप लोग इंटरव्यूज लीजिए भाई, क्या होता है बी लाइफ के साथ मैं आने वाला हूँ, मैंने गाना किया है इनके साथ, बहुत बहुत प्यारा गाना है, बट उसकी बात तब करेंगे, अभी इस गाने की बात कर लेते हैं। अब मुझे लगता है कि इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है यार, आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज पीपल यार, वे हैव वर्क वेरी हार्ड, वर्क एथिक बहुत अच्छा है एंड दे डिजर्व एवरीथिंग दैट दे हैव रिसीव्ड यार सो फार। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आज फेसबुक और रूही का इतना चला लॉन्च हुआ है, तो आप क्या फील कर रहे हैं? मैं तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने भाई को, क्योंकि मेरा भाई पहले से इतना हार्ड वर्किंग है वो, और इतना अच्छा सॉन्ग लगा फेसबुक का, बहुत सारा सॉन्ग आया बट ये सॉन्ग मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग है, सो बहुत अच्छा लगा मेरे को, स्टोरी बहुत अच्छी थी और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था सॉन्ग का, और जो लोकेशंस वगैरह मेरे को बहुत अच्छा लगा, सॉन्ग सबसे बेस्ट, वन ऑफ बेस्ट सॉन्ग है फेसबुक का ये। इसके पीछे कितनी मेहनत रही है, जैसे कि एक टिकटॉकर होते हुए उन्होंने बहुत सारे मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, तो आप उनसे क्या कहना? तो ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि हम लोग कॉलेज टाइम से साथ में, हम लोग मैं फैसू हम लोग सब सब बहुत टाइम से हम साथ में, तो बंदा बहुत मेहनत करता है हर एक चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है और इसको एकदम क्लेरिफाई करके एकदम अच्छे से अपना कोई भी वीडियो बनाता है तो बहुत अच्छे से टेक लेके और बहुत मेहनत करके बनाता है। लोगों को लगता है कि बहुत ईजी है बट बंदा बहुत एकदम बेस्ट है और बहुत अच्छा हार्ड वर्क करके वो इधर तक आए हैं। अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। मेरा अभी नेक्स्ट MX के लिए वेब सीरीज़ आने वाली है, अभी रिसेंटली मेरी वेब सीरीज़ लॉन्च हुई है तो आप लोग जाके देखिए, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, हुई शेखर रेड प्राइम ऐप पे आ चुकी है,
तो आप लोग जाइए, जो भी डाउनलोड नहीं किया जल्दी जल्दी जाके डाउनलोड कीजिए और मेरी वेब सीरीज़ देखिए, तो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एक हॉरर स्टोरी है, तो आई होप आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, जाके देखिए। क्या स्टोरी, कुछ बिलीव करिए, कौन आपके साथ काम किया है, क्या है? मेरे साथ में एक को एक्टर जो मेरी है, फरीन है, वो ऑलरेडी पहले बहुत सारी वेब सीरीज़ कर चुकी है नेटफ्लिक्स के लिए और बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के लिए वो वेब सीरीज़ कर चुकी है, तो उनके साथ में मेरा पहले डेब्यू था एज ए स्क्रीन पे, तो मैं उनके साथ में गया हूँ और अभी इंशाल्लाह बहुत जल्दी नेक्स्ट वेब सीरीज़ भी आने वाली है। I think it's a beautiful song and people are loving the song. De Ijazat aur Ishan jinhone gana gaya bhi hai, unhone bahut acha gaya hai is gaane ko and BeLive Music is absolutely rocking it. Bahut acche gaane produce karte hain wo aur Mahesh bhaiya ke jo vision hai wo bahut achi hai and I think it's a fabulous song. Mujhe to bahut maza aaya and I think Valentine pe yahi sabke muh pe rehne wala hai. Yeah, I guess I've already interacted. But I just want to say that it's an amazing song, surely released in the month of love. So I guess it surely is going to be showered upon with a lot of love as well. Thank you. Hi, this is Ramji Gulati, and you're listening to Bollywood Ki Baatein. Yes, yes, a lot of songs are coming, and bahut si exciting cheeze hain, gaane hain, and you're going to love all of them. डाउट ईशान भाई बहुत अच्छे सिंगर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा गाना बनाया है, बिकॉज मैंने ये गाना भी देखा है और ईशान भाई ने हमारा गाना भी बहुत अच्छा कंपोज़ किया है जो कि बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है सेम लेबल के अंडर। ईशान, वैलेंटाइन की बात की जाए तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें जो एक स्पेशल देखिए, जितने भी लोग प्यार करते हैं प्यार को हर बार नए तरीके से इजहार करना चाहते हैं, तो अब नया तरीका चाहिए तो नया सॉन्ग भी चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना वैलेंटाइन डे इतना अच्छा दिन है तो एक प्यार वाला सॉन्ग लिखा जाए और बनाया जाए, कंपोज किया जाए। क्या बात है, सब खुश हो जाएंगे। वेल, फैजू और रूही दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं और ऑन स्क्रीन भी वो दोनों बहुत अच्छे लगते हैं और वो दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं साथ में। आप सब ने उनकी बैंग बैंग भी देखी है, उसमें भी वो अच्छे लग रहे हैं और इस म्यूज़िक वीडियो में भी दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छे से निकल के आ रही है और गाने पर बहुत सूट कर रही है। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत गाना है, कंग्रेचुलेशंस टू यू, यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से शूट किया गया है, बहुत ही फ्रेश वाइब्स हैं एंड आई टोटली लव द सॉन्ग। थैंक यू।
दे लुक अमेजिंग टुगेदर और राइट आफ्टर बैंग बैंग ही आया है एंड दे आर फुल धूम मचा रहे हैं फुल बैंग बैंग कर रहे हैं एंड ऑल द बेस्ट टू देम ऑल्सो एंड कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम. मुझे गाना बहुत बहुत अच्छा लगा और गोवा में शूट हुआ है तो लोकेशंस जो हैं वो बहुत नई नई देखने को मिल रही हैं सॉन्ग में तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा. Can Siddharth also join? One second, just Siddharth, can you just take a break and join? एक फोटो भी है ना वहाँ. टेबल हटा दे. हेलो, मैं हूँ आजुब रहमानी और मैं हूँ अभी यू वॉच बॉलीवुड पे. मैं कहना चाहूँगा कि ये सॉन्ग मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा. सॉन्ग की जो म्यूज़िक थी वो भी बहुत प्यारी लगी मुझे और एक सीन था जो गिटार वाला था वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा. तो इसमें अलग अलग जोड़ियाँ जो बैंक में भी लोगों ने बहुत पसंद किया वो इस गाने में आई हैं तो उस पर कुछ कमेंट मतलब बहुत अच्छा मतलब कि बैंक बैंक के राइट मतलब कि उसके जस्ट बाद एक और सॉन्ग आया है उनका तो बहुत अच्छा लग रहा है. इसके लिए उनकी केमिस्ट्री और अच्छे से दिख रही है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. पीछे आपको लोगों ने गाने में देखा था जन्नत के भी साथ और फैजू के भी साथ जो मिलियन में व्यू आए हैं उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया तो आप क्या सोचते हैं उस गाने को? वो गाना भी हमारा बहुत अच्छा गया और हम लोगों ने उस गाने पर बहुत मेहनत करी थी. हम लोगों ने दुबई जाके उसको शूट किया था लेकिन पूरे प्रिकॉशन के साथ और बहुत मेहनत से हम लोगों ने शूट किया तो वो सॉन्ग भी बहुत काफ़ी अच्छा गया. पर अभी कुछ नया जो चल रहा हो या आ रहा हो? मेरा तो अभी कोई नहीं लेकिन हाँ एक सॉन्ग आ रहा है हमारा और कैरम दी रानी वो फेब में ही लॉन्च होने वाला है. वो भी एक बहुत अच्छा सॉन्ग है और उसके अंदर भी हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस ली हैं. उसके अंदर राम जी जी हैं फैजू भाई हैं अप्पी हैं और वो सॉन्ग भी अनाउंस कर ही चुके हैं हम लोग. वैलेंटाइन डे इसके लिए वैलेंटाइन के लिए तो हमने कोई तैयारी नहीं करी है. आप कहाँ जाने वाले हो या कुछ घूमने वाले हो या 14 को कुछ? हम लोग बस एक ही चीज़ करते हैं. हम लोग अप्पी और मैं हमेशा मम्मी डैडी को बाहर भेज देते हैं घर पूरा डेकोरेट करते हैं उसके बाद मम्मी डैडी को वापस घर पे बुलाते हैं. हम लोग का हमेशा का यही प्लान होता है मतलब जो करना होता है क्या करना होता है वो प्लान अप्पी का होता है मेहनत मेरी होती है बट हम दोनों साथ में मिलके कर लेते हैं.